हाई एंड जो वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए होम मेड नाचोज़ की बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी लेके आई हूँ साथ ही साथ एक कप आटे से आप बहुत सारे नाचोस बना करके रेडी कर सकते हैं उसके साथ बताऊँगी एक ड्राई मसाला मिक्स भी तो बिना किसी तेरे के लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले एक बोर में हम डाल रहे एक कप जितना मके का आटा उसके साथ बाइंडिंग देने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप जितना गेहूँ का आटा तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे साथ में जाएगा दो पिंच जितना हल्दी पाउडर एंड सम सॉल्ट एज पर द टेस्ट उसके बाद हमें ऐड करना है दो टेबलस्पून जितना ऑयल अब टेबलस्पून आप लोग तो कन्फ्यूज़ हो जाते कि घर वाले चम्मच से कितना होता है तो उसको मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ यहाँ पर अगर हम घर के स्पून से मेज़र करेंगे तो एक टेबल इज इक्वल टू टू एंड हाफ़ टी स्पून तो यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं तो टोटल मैंने दो टेबल स्पून जितना ऑयल यहाँ पर डाला है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ एक कप जितना गुनगुना पानी और इसको भी हम साइड में रख देते पहले ऑयल के साथ हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सो दैट कि ऑयल जो है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए आटे में उसके बाद हम यहाँ पर पानी लेंगे ये जैसा कि मैंने बताया गुनगुना पानी है और इससे हमें आटा नीट करना है थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटा नीट करते जाएंगे जो आटा है वो हमें काफ़ी सख्त लगाना है हार्ड आटा लगाना है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और हमने यहाँ पर गेहूं का आटा इसलिए ऐड आट किया था क्योंकि जो मक्के का आटा हो, होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है उसमें बिल्कुल भी ग्लूटन नहीं होता तो जो गेहूँ का आटा है वो उसको बाइंडिंग में हेल्प करेगा तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक आटा लगा लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड आटा है और यहाँ पर टोटल मैंने थ्री फोर्थ कप पानी का यूज़ किया है वन फोर्थ कप पानी बच गया है और सेम इसी तरीके से हमें लगाना है और दस मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है आटा जब तक रेस्ट कर हम स्पाइस मिक्स बना लेते तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून ऑफ़ तीखी रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला हाफ़ टी स्पून ऑफ आमचूर पाउडर एंड वन फोर्थ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे ब्लैक सॉल्ट काला नमक और हाफ़ टी स्पून जितना पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर शुगर क्या करेगा मसाले के टेस्ट को बैलेंस करेगा और साथ ही साथ जब हम ये मसाला गरम नाचोस के ऊपर डालेंगे तो उसको स्टिक करने में हेल्प करेगा सो so इससे ऐसा नहीं हुआ कि मीठा कोई टेस्ट आएगा इट्स जस्ट कि आपने बाहर भी टेस्ट किया होगा उसमें हल्का सा स्वीटनेस रहता है तो बस ये एक्जैक्टली exactly वैसे ही टेस्ट देगा तो आटा 10 मिनट तक रेस्ट कर चुका है उसके बाद हम इसको छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ लेंगे और यहाँ पर मैंने एक बॉल का पोर्शन लिया है इसमें थोड़े से हम फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टीस्पून स्पून और, एक और हाफ टी स्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स इसमें मैंने ऐड कर दिया है आप चाहें तो सादे नाचोस भी बना सकते हैं बट इस तरीके से फ्लेवर्स ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसलिए मैंने सारे आटे में ऐड नहीं किया बस थोड़ा सा पोर्शन ले के उसी में ऐड किया है तो यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया है अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ली हुई है इस तरीके से लेना है आपको और इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा आप चाहें तो ये प्रोसेस बटर पेपर में भी कर सकते हैं बट क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं होता इसलिए मैंने प्लास्टिक शीट से बताया है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे और अच्छे से दोनों साइड पर हमें लगा लेना है और हाथों से इनिशियली अभी मैं बस थोड़ा सा मैंने ऐसे फैला लिया है और उसके बाद दूसरे साइड की प्लास्टिक शीट से कवर करके और इसको इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करना है तो बस हमें प्लास्टिक शीट को घुमाते जाना है और इस तरीके से इसको पतला हमें रोल करना है लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने इसको कितना पतला रोल किया है और जब हम इसको प्लास्टिक शीट पर रोल करते हैं तो इसे रोल करना काफ़ी इजी हो जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और अगर हम चौकी पर इस प्रोसेस को करते हैं तो इतना पतला वो कभी भी नहीं मिल पाएगा और दूसरा वो काफ़ी ज़्यादा चिपकेगा तो यहाँ पर ये रेडी है और पीछे से देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो इतना ही पतला हमें इसको रोल करना है अब हम इसको एक तरफ से प्लास्टिक शीट को हटा लेंगे और अब हमें इसको कट करना है तो कट करने में इस तरीके से आपको इसको थोड़े मोटे मोटे स्ट्रैप्स में कट करना है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर ये मैंने इसको कट कर लिया है और अब हमें इसको नाचोज़ का शेप देना है तो बस सिंपली जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से इसको आपको कट करते जाना है जो इसके रफ़ एजेस हैं वो बाद में हम निकाल देंगे और यहाँ पर मैं एक पीस पहले आपको निकाल करके दिखा देती हूँ तो यहाँ पर ये यह जो कॉर्नर वाला पोर्शन है उसको हम इस तरीके से निकाल करके अलग कर लेंगे सो दैट की नाचोस के क्लियर शेप हमें मिल जाएँ तो यहाँ पर एक नाचोस का शेप मैं आपको निकाल करके इस तरीके से दिखाती हूँ ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पतला है और पीछे से आप देख रहे हैं मेरी फिंगर्स भी विजिबल हैं मतलब हमने इसको काफ़ी ज़्यादा पतला बेला है तो यहाँ पर ये नाचोस इस तरीके से हमें कट करके रेडी कर लेने हैं और इसी प्रोसेस से मैं बाकी का भी सारा कर लूँगी अब ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है बहुत हाई या बहुत लो पर नहीं रखना है हमें और यहाँ पर थोड़े थोड़े से नाचोज हम डालते जाएंगे और ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे जैसे जैसे ये गर्म होंगे ये अपने आप ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए ये अपने आप ही सेपरेट हो रहे हैं और इनको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है सो दैट कि जो इसका कलर है वो हर तरफ से इवन आए तो ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा आना स्टार्ट हो जाएगा एंड इसको हमें लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है एंड थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें हल्का कलर आ चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउनिंग नहीं देना है बहुत डार्क कलर इसको नहीं देना है तो यहाँ पर ये नाचोस बन करके रेडी हो गए हैं और इसको मैंने एक टिश्यू पेपर पर बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर हमारे सारे नाचोस बन करके रेडी हैं एंड वन एंड हाफ़ कप आटे से हमने बहुत सारे नाचोस बना करके रेडी कर लिए हैं आप इनको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इसको मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए हैं थोड़े से नाचोस पर मैंने ये ड्राई मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलेगा कि ये कैसी बनी है चिल्ड्रन्स स्टे प्लस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय फ्रॉम मी